नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस आहूजा। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे पहचाने, कि हमारी बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हम कोविड जैसे इन्फेक्शन से फाइट कर सकें। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है। इसके लिए हमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाना, कहीं लैब में नहीं जाना, घर से बाहर भी नहीं जाना, घर में रह के हम ये जानेंगे कि हमारी बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास दो डस्टबिन है, एक डस्टबिन गार्बेज से भरा हुआ है और एक डस्टबिन बिल्कुल खाली है। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है। अगर हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होंगे तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर सकता है, और अगर हमारी बॉडी टॉक्सिन फ्री है, हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन नहीं है, तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से हमारी बॉडी पे अफेक्ट नहीं कर सकता। तो हमें अपनी बॉडी अंदर से बिल्कुल साफ रखनी है, टॉक्सिन फ्री रखनी है। तो फर्स्ट मेरे पास जो पॉइंट है वो ये है कि आपका हर रोज़ सुबह पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, आपको अच्छे से मोशन होना चाहिए। सुबह उठते ही आपको ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि आप पानी पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे, जीरा ड्रिंक लेंगे, अजवाइन ड्रिंक लेंगे, उसके बाद आप मोशन करने जाएंगे। आपको बिना कुछ लिए हुए आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपका मोशन अच्छे से हो जाए। अगर आपका मोशन अच्छे से नहीं हो रहा तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट अंदर से साफ नहीं होता, आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। सेकंड पॉइंट है मेरे पास नो एक्सेस वेट। आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप ओवर वेट नहीं होने चाहिए। अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग आपका वेट बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है, इट मीन्स आपके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए, धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं। इसके बाद मेरे पास थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जानने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थर्ड पॉइंट है मेरे पास एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर। गाइस, जब भी आपको भूख लगे दिन में तो बहुत ज़ोर से भूख लगनी चाहिए, जो आपको खाने का मन करे वो आप जाके खा लीजिए। कई बार ऐसा होता है हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ, वो जब खाने जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं बहुत कम खाऊं, मेरा पेट अंदर से भरा हुआ है, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही। वो इसलिए इच्छा नहीं होती कि आपके बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन है, गंद भरा हुआ है, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जंक फूड खाएंगे, पैकेट वाले फूड्स खाएंगे, इनफैक्ट आजकल पैकेट वाले जूस भी लेते हैं। आप घर पे हैं, आप फ्रेश जूस लीजिए। फोर्थ पॉइंट है एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, आलस्य का अनुभव ना होना। आपकी बॉडी में बिल्कुल भी आलस्य नहीं होना चाहिए। आप अगर सुबह उठकर अच्छे से योगा कीजिएगा, वॉक करें, तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी, आपको कभी भी आलस्य का अनुभव नहीं होगा, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, आपको पूरा दिन थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी इम्यूनिटी लो है या हाई है। आप घर पे हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, कोविड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास एक्सपीरियंस ऑफ डीप स्लीप। दोस्तों, जब भी आप सोएं तो आपको गहरी नींद आनी चाहिए। बेड पे आप जब लेटते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 घंटे आपने मोबाइल देखने में लगा दिए, करवटें बदलने में लगा दिए। आपको, अगर आपकी बॉडी थकी हुई है तो आपको लेटते ही नींद आ जानी चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सिक्स, नो पेन इन बॉडी। हमारी बॉडी में कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। जिसकी एज ज़्यादा है, जो ओल्डर एज में है, उनकी बॉडी में पेन होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव थॉट। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। दिन भर में आप जितने भी काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको खुश रहना चाहिए, अच्छे विचार आपके मन में आने चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव बातें कभी भी आपकी माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो इन सब से
आपको ये पता लगेगा कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है या स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम ये जानेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इम्यूनिटी को इंक्रीज करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जल्दी से जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है और कैसे वो इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम जानते हैं कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी इम्यूनिटी। फास्टिंग सबसे फर्स्ट मेथड है। फास्टिंग ये कोई उपवास नहीं है, घबराइए मत। रिसर्च में भी ये प्रूफ हो चुका है कि फास्टिंग बहुत अच्छा मेथड है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। देखिए, हमारी बॉडी में एक सोल्जर होता है जिसके दो काम हैं, डाइजेशन और हीलिंग। डाइजेशन 6 आवर्स में वो हम जो भी खाते हैं तो वो उसे डाइजेस्ट करता है। उसके बाद होता है हीलिंग। हीलिंग होता है हमारी बॉडी को अंदर से साफ करना। हीलिंग करने के लिए 10 आवर्स चाहिए, तो हमें 16 आवर्स का फास्ट रखना पड़ता है, फास्टिंग करनी पड़ती है। वो कैसे करनी है, आप कोशिश कीजिए कि रात का जो आप डिनर लेते हैं वो बिफोर 7 PM ले लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे खाना खाइए, तो 16 आवर्स आपके पूरे हो जाएंगे। अगर 8 बजे खा रहे हैं तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग में 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर टाइम है, ये ड्यूरेशन है, उसमें हमारा खाना डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी हील होगी, अंदर से वो साफ होगी, टॉक्सिन फ्री बॉडी होगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती। सेकंड पॉइंट है मेरे पास, जब भी आप फास्टिंग के बाद अपना ब्रेकफास्ट लें तो कोशिश कीजिए उसमें फ्रूट्स लीजिए, फुल ऑफ वाटर हमारे फ्रूट्स होते हैं। आजकल वाटरमेलन बहुत आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वाटरमेलन लीजिए, फुल प्लेट ऑफ वाटरमेलन आप खाइए। और ऐसा नहीं है कि आप वीक में 7 डेज आपको फास्ट करना है, आप एक वीक में 2 डेज भी फास्टिंग कर सकते हैं। जब आप फास्टिंग करें तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सेकंड रूल क्या था, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको जब आप फास्टिंग कंप्लीट हो जाए, आपकी बॉडी हील हो जाए अच्छे से, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट लेना है फुल ऑफ वाटरमेलन प्लेट। वाटरमेलन ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। थर्ड पॉइंट, आप कोशिश कीजिए कि उस दिन जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग के नेक्स्ट डे आप ग्रेन सिर्फ 1 टाइम लें, मतलब रोटी सिर्फ एक बार ही खाइए दिन में। आप 3 बार मील लेते हैं, 5 टाइम मील लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसमें कोशिश कीजिए कि मैं रोटी एक ही बार खाऊं, क्योंकि रोटी को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है हमारी बॉडी को। और अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल जूस ले रहे हैं, इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके कुछ काम आए, आपके लव वंस के, आपके फ्रेंड्स के काम आए, तो फटाफट जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस आहूजा।